यस हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक जैन, योर कंप्यूटर टीचर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010. एंड आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के. इस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड वर्ड प्रोसेसर. ओके नाउ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है? आपको पता है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है. हमने ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं. 9th क्लास में आपकी ये इसलिए आया है बिकॉज 9th क्लास में हमारे स्कूल ने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट किया है. दिस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ओके तो हम उसका जो फर्स्ट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो हम स्टार्ट करेंगे आज. ओके नाउ इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर. वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? आपने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ रखी है. मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा क्या होता है. देखिए, आपने देखा होगा टेक्स्ट एडिटिंग हम करते हैं. टेक्स्ट एडिटिंग, टेक्स्ट क्या होता है? जो हम वर्ड लिखते हैं, ये मैंने जो ओपन किया हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही ओपन किया है. ठीक है, इसी में मैं आपको एडिटिंग भी सिखाऊंगा एंड जो क्या होता है वर्ड प्रोसेसर, वो भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा. ओके नाउ वर्ड प्रोसेसिंग में ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? लाइक क्रिएटिंग, क्रिएट करना, एडिटिंग, एडिट करना, व्यूइंग, देखना, सर्च करना या रिप्लेस करना. किसी भी वर्ड को रिप्लेस करते हैं ना, फॉर्मेटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग टेक्स्ट. टेक्स्ट को प्रिंट निकालना, मतलब प्रिंट आउट हम निकालते हैं ना वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रिंट आउट निकालते हैं हम, तो वो प्रिंट आउट निकालना. ओके इसमें बहुत सारे हम इसके अलावा हम इसमें पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स ऑल्सो ऐड कर सकते हैं. ओके फिर हम इसको ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, इस फाइल को, जो वर्ड की फाइल होती है, इसको ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं. अब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, ओके, ये भी किसके ऊपर चलता है? प्रोसेसर्स के ऊपर चलता है. ओके अब वर्ड प्रोसेसिंग के कुछ एग्जाम्पल और भी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा. वर्ड स्टार है, वर्ड परफेक्ट है, पेज मेकर है, और लास्ट वन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके मतलब वर्ड प्रोसेसर, जो वर्ड एडिटिंग होती है, वो वर्ड स्टार पे, वर्ड परफेक्ट पे, पेज मेकर पे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इन सभी पे होती है. बट हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ेंगे, जो है किसका पार्ट? एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है. ठीक है, देखिए एमएस वर्ड. इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट एमएस वर्ड. हम एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे. वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. अब वर्ड में क्या क्या चीज़ें होती है? फॉर्मेटिंग होती है किसकी? डेट टेक्स्ट की. ओके हम क्या करते हैं इसमें? चेंजिंग फॉन्ट, उसका फॉन्ट साइज, कलर और अलाइनमेंट्स. उसके अलावा स्पेलिंग एंड ग्रामर हम चेक करते हैं इसके अंदर, और वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, पिक्चर्स एंड टेबल्स हम इसमें बेसिकली बना सकते हैं, कर सकते हैं. ओके स्टार्ट करते हैं. इसको स्टार्ट करने का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है गेटिंग स्टार्ट ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, एमएस वर्ड 2010. ओके देखिए, मेरे पास विंडोज 10 है, तो मैं यहाँ पे सर्च करके भी कर सकता हूँ. ओके देखिए माइक्रोसॉफ्ट आ गया यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010. ओके क्लिक किया मैंने इस पे, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नेक्स्ट अलग से एक फाइल ओपन हो गई है. ओके नाउ हम वापस अपनी फाइल पे चलते हैं. ये हमारी फाइल थी. आपके पास विंडोज 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, जैसे भी आप स्टार्ट करना चाहें, नॉर्मल यही उसका मेथड है, आप कर सकते हैं. ओके इसके अलावा नेक्स्ट मेथड है आपका, इफ़ यू फाइंड एम एस वर्ड आइकन. अगर आपको एम एस वर्ड आइकन कहीं दिख जाता है, तो आप वहीं से भी डायरेक्टली उसको स्टार्ट कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट, दिस इज द एम एस वर्ड विंडो. ओके ये देखिए आपके सामने जो ये बना हुआ है, ये एम एस वर्ड विंडो है. इसमें जो जो चीज़ें आपको दी हुई है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ. ये आपकी क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार आपको यहाँ पे भी दिख रही है और यहाँ पे भी दिख रही है. दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार. ओके नेक्स्ट इज टाइटल बार. टाइटल बार, दिस इज टाइटल बार, क्लास 9 वर्ड प्रोसेसिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आपके सामने लिखा हुआ है. ओके दिस इज टाइटल बार. नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये आपका नेम है, डॉक्यूमेंट का नेम है. ओके देन मिनिमाइज, रीस्टोर एंड क्लोज, तीन बटन आपके सामने दिए हुए हैं. ये रहे मिनिमाइज, रीस्टोर एंड क्लोज बटन. ओके दिस इज वर्ड हेल्प. यहाँ से अगर आप कुछ हेल्प लेनी है, तो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, हेल्प ले सकते हैं आप. ओके नेक्स्ट वन इज वर्टिकल स्क्रोल बार, ये स्क्रोल बार है आपकी, वर्टिकल स्क्रोल बार. ओके नेक्स्ट, ये आपका जो व्हाइट कलर का बना है, ये आपका कौन सा एरिया है? ये आपका वर्क एरिया है. ओके नेक्स्ट, प्रीवियस पेज बटन. प्रीवियस पेज बटन मतलब आप इस पर क्लिक करके आप आगे पीछे जा सकते हैं. ओके नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद स्टेटस बार है. स्टेटस बार जो बॉटम में लिखा हुआ है, जैसे ये पेज 2 है ऑफ 24 पेजेस, वर्ड इतना है, इंग्लिश इंडिया. ओके नाउ हॉरिजॉन्टल रूलर, ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है. ओके ये दिस वन. ओके हॉरिजॉन्टल रूलर. उसके बाद है वर्टिकल रूलर, ये आपका वर्टिकल रूलर है.
होम मेन्यू, ये देखिए आप होम मेन्यू में इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, लाइक ये देखिए आप, ये अलग अलग ये सारा होम मेन्यू है पूरा जितना भी है। ओके, मेन्यू बार, दिस वन इज मेन्यू बार, होम इंसर्ट, नहीं सॉरी होम ओनली, एंड क्विक एक्सेस टूल बार इज स्टार्ट बटन। ये मेरे पास विंडोज 10 है, इस वजह से यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आपको दिख रहे होंगे, अगर अदरवाइज आप विंडोज 7 में आप ओपन करेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा आपको मिलेगा। ओके, देखिए टाइटल बार क्या होती है, ये आपको मैंने बता दिया है, सिंपल चीज़ें बेसिक है, आप इसमें अपने आप खुद रीड कर सकते हैं। ओके, मेन्यू बार में आपको फाइल, होम, व्यू एंड सर्च बटन मिल जाएंगे। रूलर्स आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होते हैं। वर्क स्पेस वाइट कलर का ब्लैंक पेज होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं। वर्टिकल स्क्रोल बार, हम स्क्रोल कर रहे हैं जैसे माउस से हम स्क्रोल करते हैं ना, वैसे ही ये सेम चीज़ है। उसके बाद प्रीवियस पेज बटन, प्रीवियस हम बैक कैसे जा सकते हैं, नेक्स्ट पेज कैसे जा सकते हैं, वो उस पर क्लिक करना है। ओके, नाउ क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, अब न्यू डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है। वैसे तो आपने फाइल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना आपको आता ही है, फिर भी अगर आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप फाइल पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद में ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे, ये न्यू। ओके, दिस इज वन इज ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये विंडोज 7 में डिफरेंट हो सकता है ना, यहाँ पे थोड़ा अलग है, विंडोज 7 में ये डिफरेंट हो सकता है। ओके, दिस इज द ब्लैंक डॉक्यूमेंट, हमने ओपन किया था ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हमारे पास में क्या है, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं आपके ऑलरेडी फॉर्मेट बने हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको प्रोवाइड करे हैं। ओके, जो आप किससे office.com से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ टेम्पलेट्स आपके ऑलरेडी पीसी में आपको मिल जाएंगे जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे तब। तो देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर, तो सैम्पल टेम्पलेट्स के नाम से आप देखेंगे ये अलग अलग है, जैसा आपको चाहिए आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, टेम्पलेट्स के बाद में आप देखेंगे सेव द डॉक्यूमेंट। अब आप एक डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे फाइल ऑप्शन है सेव का, ये ऑलरेडी मेरा सेव्ड है इसलिए क्लिक नहीं हुआ है, यहाँ पे मैं एक बार दिखता हूँ आपको, देखिए आप ये सेव है। जैसे आप सेव करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से है, इसमें आप अपना नाम या जो भी आप फाइल बना रहे हैं वो उस पर लिख सकते हैं। जैसे मैं विवेक नाम से एक फाइल बना रहा हूँ, तो विवेक उसके बाद .docx, क्योंकि इसका एक्सटेंशन क्या है, .docx। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसको कैंसिल करते हैं, हम वापस अपनी फाइल पे चलते हैं। ओके नेक्स्ट, सेव द डॉक्यूमेंट हो गया है, उसके बाद ओपनिंग अ फाइल। आपने देखा आपको एक कोई फाइल ओपन करनी है, एग्जिस्टिंग फाइल जो ऑलरेडी इसमें बनी हुई है। ओके नाउ फाइल कैसे ओपन करेंगे, देखेंगे क्लिक करें फाइल के ऊपर, फाइल एंड उसके बाद उसमें क्लिक करेंगे ओपन के ऊपर। ओपन पे मैंने क्लिक किया तो आप देखिए क्लास 9 हाफ ईयरली बायो जो भी XYZ आपके इसमें है, डाउनलोड्स में है, पिक्चर में है, जहाँ पे भी आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओके, ओपनिंग अ फाइल कंप्लीट है। नेक्स्ट, उसके बाद इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट की आपको इन्फॉर्मेशन अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे आप, टू गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट, मतलब उसकी साइज, नंबर ऑफ पेजेस, एक्सेस परमिशन, आप कैसे निकालेंगे, फाइल के ऊपर जाके उसमें इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। इन्फॉर्मेशन, ये रही इन्फॉर्मेशन, देखिए आप ये साइज इसका 2.14 MB, 24 पेजेस है, वर्ड्स कंटेन, टोटल एडिटिंग टाइम एंड कब इसको एडिट किया था, कब क्रिएट किया था, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिंग एंड एडवांस्ड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। ओके, एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट, एडिटिंग करना, एडिट करना मतलब डेटा, सॉरी फाइल को एडिट करना। फाइल हमारे पास बन चुकी है ऑलरेडी, उसको हम एडिट करेंगे। इसमें कुछ शॉर्टकट कीज आपको दी हुई है, उसके थ्रू हम उनको एडिट करेंगे। ओके, नंबर 1 इज अनडू एंड रीडू। अनडू, अनडू क्या होता है, आपने कोई भी चीज़ परफॉर्म करी, मतलब कोई भी डेटा आपने बाय मिस्टेक गलत लिख दिया, तो आप उसको Ctrl Z करके यानी अनडू करके उसको वापस लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट डिलीट हो गया, मैंने Ctrl Z दबाया एंड टेक्स्ट अगेन आपके सामने आ गया है। ओके, Ctrl Y, रिपीट लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म। अब कोई भी ऑपरेशन हमने लास्ट परफॉर्म किया है उसको हम वापस कर सकते हैं इसमें। ओके देखिए आप Ctrl Z एंड ये Ctrl Y बैक हो गया, देन Ctrl Z से वापस आ गया। ओके नेक्स्ट, सेलेक्शन, सेलेक्टिंग अ सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन माउस स्टार्ट की ऑफ द सेक्शन, हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने माउस को रखा एंड देन इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, दिस इज द सेलेक्शन प्रोसेस। ओके नाउ Ctrl+X, Ctrl+X क्या होता है बहुत अच्छे से जानते हैं आप, Ctrl+X का मतलब होता है कट करना। देखिए कट करने का मतलब है इस
जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। कट का मतलब यहाँ से इसको हटाना और दूसरी जगह पे पेस्ट करना, ठीक है? तो मैंने यहाँ से इसको हटाया और दूसरी जगह पे पेस्ट कर दिया, ठीक है? समझ में आया आपको? क्या किया मैंने, कट किया, किससे किया, कंट्रोल प्लस एक्स से। अब मैं वापस इसको अंडू कर देता हूँ, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट, ये देखिए आप, वापस अंडू कर दिया तो वो डॉक्यूमेंट उसी जगह पे आ गया है। वापस क्या किया था मैंने, कंट्रोल प्लस एक्स यूज किया है, ओके? और अंडू करके उसको वापस उसी जगह पे लिया है। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स भी है, उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, देखिए ऊपर टॉप पे, लेफ्ट साइड में टॉप पे देखिए आप, ये अंडू है एंड ये रीडू है, ओके? दिस वन इज अंडू एंड दिस वन इज रीडू। आपको डायरेक्टली जब आप विंडोज 7 में ओपन करेंगे तो यहाँ पे कट कॉपी का ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको, और अंडू रीडू का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कॉपी। कॉपी कट, कॉपी कैसे करते हैं हम, आपको बहुत अच्छे से पता है, कंट्रोल प्लस सी इज कॉपी। कॉपी और कट में क्या डिफरेंस है, कॉपी और कट में ये डिफरेंस है कि कॉपी में हम क्या करते हैं, उसी ऑब्जेक्ट, उसी वर्ड को हम एक और जगह पे कॉपी कर सकते हैं। देखो कॉपी किया मैंने, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके? तो ये यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, ओके स्टूडेंट्स? बट हमने जब कट किया था तब वो यहाँ पे नहीं था, वो सिर्फ नेक्स्ट उस पे था, ओके? हम इसको होम फॉर मेन्यू बार एंड कॉपी वहां से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल प्लस सी से भी कर सकते हैं, ओके? यस, नाउ नेक्स्ट वन इज पेस्ट ऑप्शन। पेस्ट का मतलब क्या होता है, हमने जो भी डेटा को कट कॉपी किया है, जो भी डेटा को हमने कट कॉपी किया है, उसे हमें कहीं ना कहीं तो पेस्ट करना पड़ता है। पेस्ट का मतलब उस डेटा को वहां पे, उस सॉरी उस वर्ड को वहां पे रखना, उसका मतलब होता है पेस्ट करना, ओके? तो मैंने जैसे यहाँ पे कॉपीज है, इस कॉपीज को मैं यहाँ पे आपको कट करके दिखाता हूँ आपको। ये कट किया मैंने, ये कट हो गया, एक सेकेंड, और फिर मैंने इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। पेस्ट कैसे किया मैंने, कंट्रोल प्लस वी से, ओके? कंट्रोल प्लस वी से भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, राइट क्लिक किया कट ऑप्शन, उसके अलावा यहाँ पे आके आप वापस राइट क्लिक करके और पेस्ट ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, जिसमें आप जैसे पेस्ट करना चाहें वैसे कर सकते हैं, ओके? बट आप सबसे बेस्ट यही रहेगा कि कंट्रोल प्लस वी से आप पेस्ट करें, ओके स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड। अब आपको कोई भी वर्ड फाइंड आउट करना है, क्या करना है आपको, कोई भी वर्ड फाइंड आउट करना है, ओके? तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस एफ मैंने प्रेस किया, ये आ गया आपके सामने फाइंड का ऑप्शन, ठीक है? अब मैं यहाँ पे होम पेज फाइंड करता हूँ, होम होम लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ओके? नेक्स्ट, फाइंड, कंट्रोल प्लस एफ, आपको कोई भी वर्ड को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एफ पे क्लिक करेंगे। नाउ मैं कंट्रोल प्लस एफ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है आपके सामने, यहाँ पे आपको जो भी फाइंड आउट करना है उसको हम लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पे रिप्लेस को फाइंड आउट करता हूँ, REPLACE, रिप्लेस, मैंने वर्ड किया रिप्लेस, तो आप देखेंगे जितनी भी जगह पर रिप्लेस का यूज हुआ है, जितनी भी जगह रिप्लेस वर्ड का यूज हुआ है, वो सारे रिप्लेस हमें दिखा दिए हैं, ओके? देखिए आप, येलो मार्क भी हो रहा है यहाँ पे, उसके अलावा जितने भी रिप्लेसेस आ रहे हैं वो सब यहाँ पे आ गए हैं, ओके? नाउ ये हमने क्या किया था, फाइंड किया था, कंट्रोल प्लस एफ किया था। नाउ नेक्स्ट, अब किसी भी वर्ड को आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस का मतलब कोई वर्ड पहले क्या लिखा हुआ है उसको हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम कंट्रोल प्लस एच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एच का। आप देखेंगे फाइंड आउट, फाइंड व्हाट, मैंने रिप्लेस फाइंड आउट किया था, अब उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, रिप्लेस वर्ड को मैं कर रहा हूँ वर्ड से रिप्लेस, ओके? वर्ड से रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस और। तो आप देखेंगे जितने भी रिप्लेस है वो सब किस में चेंज हो गए, वर्ड में चेंज हो गए, ओके? मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस अगेन सेम हो जाएगा, ठीक है? मैंने क्या किया है, हमने देखा मैंने कंट्रोल प्लस एच पे क्लिक किया था, देन रिप्लेस को मैंने वर्ड में चेंज किया, फिर मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके नाउ इसको कैंसिल करते हैं हम। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज, आपने देख लिया ये सारी स्टेप्स वही लिखे हैं हमें, नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज गो टू। गो टू, आपको किसी भी पर्टिकुलर पेज पे जाना है, सेक्शन पे जाना है, लाइन पे जाना है, फुटनोट पे जाना है, टेबल पे जाना है, हेडिंग पे जाना है, तो आप गो टू के थ्रू जा सकते हैं या फिर कंट्रोल जी के थ्रू आप जा सकते हैं, ओके? पेज, सेक्शन, लाइन, बुक मार्क, कमेंट, ये सभी आपको मिल जाएंगे, ओके? नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। अब हम पहुंच गए हैं फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को हम कैसे फॉर्मेट करते हैं, ओके? एक डॉक्यूमेंट की कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, उसमें कौन कौन से टूल्स हमारे पास में यूज होते हैं, उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ओके? नंबर वन इज फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट क्या होता है, देखो बाय डिफॉल्ट हमारे सामने फॉन्ट दिया होता है कैलिब्री बॉडी, कैलिब्री बॉडी दिस वन,
ओके आप यहाँ पे भी देखेंगे एंड ऊपर में दोनों में दोनों तरफ आपको समझाऊंगा कैलिब्री बॉडी। आप देखेंगे आप, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं आपके सामने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स आ जाते हैं। फॉन्ट्स क्या होते हैं, देखिए ये जो लिखा हुआ है ये फॉन्ट और इट रेफर्स टू, ये सब जो लिखे हुए हैं इसे हमें चेंज करना है। तो ये अभी तो किसमें है, कैलिब्री बॉडी में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका होता है फॉन्ट नेम इट्स कैलिब्री बॉडी। ओके हमें इसे चेंज करना है तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट इसको मैं चेंज करता हूँ। पहले मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, ये एरियल ब्लैक में है इसको मैं इसमें चेंज करता हूँ। देखिए आप ये चेंज हो गया है। ओके नाउ कंट्रोल जेड करते हैं, वापस अपने डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। ठीक है समझ में आया। नेक्स्ट फॉन्ट साइज यहाँ पे 12 है, नॉर्मली आपकी बाय डिफॉल्ट 11 होती है, आपको उसको इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए आप 72 तक डायरेक्टली इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बाद दो ऑप्शन आपके पास में है, यहाँ से भी आप इनको इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट टू कलर द टेक्स्ट, टेक्स्ट को आपको कलर करना है। क्या करना है, टेक्स्ट को कलर करना है। देखिए आप ये रेफरेंस लिखा हुआ है इसको मैं कलर कर देता हूँ, कलर मतलब इसका कलर चेंज कर देते हैं हम। मैंने क्लिक किया देन रेड, तो आप देखिए ये जो रेफरेंस है किसमें चेंज हो गया, ये रेड कलर में चेंज हो गया। ओके नाउ हाईलाइटिंग टेक्स्ट कलर, हाईलाइट करना है आपको किसी भी टेक्स्ट को, तो आप क्या करोगे उस पर पहले सेलेक्ट करोगे फिर हाईलाइट करना है हमें, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो देखिए आप कैरेक्टर्स हाईलाइट हो गया है। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट किसी भी वर्ड पे सुपर स्क्रिप्ट लगानी है आपको। सुपर स्क्रिप्ट इज अ मैथमेटिकल टर्म, आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है तो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट ऑल्सो है मैथमेटिकल टर्म, सबस्क्रिप्ट भी आप लगा सकते हैं किसी भी वर्ड पे। आपको पहले लिखना है वर्ड को फिर इस पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू किसी भी वर्ड में, किसी भी वर्ड में आपको मिडिल में लाइन लेकर आनी है। स्ट्राइक थ्रू मतलब मिडिल में लाइन, देखिए आप ये देखिए आप स्ट्राइक थ्रू जो मैंने सेलेक्ट किया है उसमें मैंने स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक किया है तो उस पर लाइन आ गई है। ओके स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट वन इज अंडरलाइन, ओके अंडरलाइन आपको करना है कोई भी टेक्स्ट को, कोई भी वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है। जैसे मैं यहाँ पे ये अरेंज को अंडरलाइन करता हूँ, तो अरेंज पे मैंने क्लिक किया देन फिर मैंने क्लिक किया, तो देखिए आप अरेंज पे अंडरलाइन हो गई है। ओके स्टूडेंट्स नाउ इटलाइज, इसको मैंने क्लिक किया मतलब स्लैंट साइड, स्लैंट करना वर्ड को, स्लैंट करना, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया देन आई पे मैंने क्लिक किया, तो आप देखेंगे ये नंबर जो है आपका वो स्लैंट में हो गया है। ओके नाउ बी फॉर बोल्ड, ओके बोल्ड पे मैंने क्लिक किया, बोल्ड मतलब आप जानते हैं बहुत अच्छे से बोल्ड क्या होता है, मैं फॉन्ट को यहाँ पे बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं फॉन्ट को पहले सेलेक्ट करूंगा देन बी पे क्लिक करूंगा, तो आपका फॉन्ट क्या हो गया है बोल्ड हो गया है। ओके स्टूडेंट्स नाउ आप देखेंगे सभी चीजें क्या क्या है इसमें, एक बार वापस देख लीजिए क्या क्या है, फॉन्ट, फॉन्ट साइज इंक्रीज, फॉन्ट साइज डिक्रीज टू कलर द टेक्स्ट, हाईलाइट कलर, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, अंडरलाइन, इटैलिक्स एंड बोल्ड। ओके सभी चीजें यहाँ पे हैं। फॉन्ट स्टाइल क्या होती है, फॉन्ट स्टाइल मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल में चेंज करना, फॉन्ट साइज मैंने आपको बताया, अंडरलाइन करना, कलर करना, इफेक्ट, स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ओके सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आप देख लीजिए ये चीजें हैं, X2 एंड X2। ओके नाउ कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। यस नेक्स्ट वन इज चेंज केसेस, चेंज केसेस द नेक्स्ट ऑप्शन इज इन द फॉन्ट बॉक्स इज चेंज केस। ओके चेंज केस में आपके पास देखिए सेंटेंस केस, सेंटेंस केस क्या होता है, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ सेंटेंस इज एम अपर केस एंड द रेस्ट ऑफ द लोअर केस। ओके मतलब जितने भी आपके सामने होंगे वो सारे कौन से वाले होंगे, केस की बात कर रहे थे हम। देखिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टोगल केस। ओके देखिए डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है इनके, क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सेंटेंस केस, सेंटेंस की क्या होता है, इसका फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो बड़ा होता है, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर यानी सेंटेंस का जो देखिए आप फर्स्ट जो है वो बड़ा है, कैपिटल है। ओके नाउ लोअर केस, लोअर केस में जितने भी वर्ड होते हैं वो सब लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स में होते हैं। नेक्स्ट वन इज अपर केस, सारे लेटर्स में अपर केस में होते हैं यानी कैपिटल्स में होते हैं। नेक्स्ट वन इज कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें जितने भी वर्ड होंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर देखिए आप कैपिटल, इसमें सी, इसमें ई, इसमें डब्ल्यू, ये सभी कैपिटल लेटर्स में। ओके नेक्स्ट वन इज टोगल केस, टोगल केस में क्या होता है, इसका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो होता है स्मॉल में एंड बाकी सब कैपिटल्स में होते हैं। ओके देखिए आप टी का, सॉरी टोगल का टी एंड केस का सी, ये दोनों स्मॉल में है बाकी सब कैपिटल्स में है। ओके नेक्स्ट वन इज पैराग्राफ, दिस ऑप्शन इज प्रेजेंट ऑन होम ग्रुप, इट कंटेन्स द टेबल एडजस्टिंग डॉक्यूमेंट डिफरेंट स्पेसिंग एंड बॉर्डर्स। ओके ये आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ ग्रुप है। ओके कौन सा ग्रुप है ये,
पैराग्राफ ग्रुप। ओके, यहाँ पे आप देखिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज में आप चेंज कर सकते हैं, स्टाइल्स में चेंज कर सकते हैं। सॉरी, ये लाइन स्पेसिंग है, ये सारी आपकी लाइन स्पेसिंग है। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे लाइन स्पेसिंग के, लेफ्ट से राइट से। उसके अलावा बिफोर आफ्टर, मतलब एक पैराग्राफ के बाद में आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये सेट ऑलरेडी हुआ, मतलब हुआ है, तो आप इस पर चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ ग्रुप है। ओके, नाउ इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पैराग्राफ ग्रुप में क्या होता है। नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट अलाइनमेंट्स। यस, अलाइनमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर वर्ड। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा, हम कोई भी लेटर इन कॉपी, अगर कॉपी में हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको? लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं ना, आपने देखा होगा कॉपी में लिख के, देखिए आप तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट तक हम जाते हैं। ओके, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट्स अवेलेबल है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ओके, देखिए आप इसमें हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट तो वही बेसिक चीज़ है, बेसिक आपको पता ही कौन सा होता है, बेसिक हमारा है लेफ्ट अलाइनमेंट। ये देखिए आप अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट। ओके, जो हमारा ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, ये सारा का सारा, ये सभी जो लिखा हुआ है हमारे पास, जितनी भी फाइल है पूरी, ये सब लेफ्ट अलाइनमेंट में ही है। ओके, नेक्स्ट वन इज सेंटर टेक्स्ट, यानी सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है यहाँ पे? सेंटर अलाइनमेंट का मतलब होता है जो आपका टेक्स्ट है वो किस में लिखा हुआ है? सेंटर में लिखा हुआ है। देखिए आप ये डायग्राम देख रहे हैं, छोटा सा डायग्राम देखिए आप, सेंटर में लिखा हुआ है, सारी चीजें किस में है? सेंटर में। उसके बाद थर्ड वन इज राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट देखिए, इसमें आपकी जो चीज़ें होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी? राइट में होगी। ओके, ये देखिए आप, इसमें देखिए आप, ये राइट में लिखा हुआ है सारी चीज़ें। ओके, करना कैसे इसको? आप टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, देखिए जैसे मैं एक बार बता देता हूँ आपको, फिर भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो। ठीक है, ये राइट अलाइनमेंट हो गया है, मैं इसको सेंटर में करूँगा ये सेंटर हो जाएगा, लेफ्ट में करूँगा ये लेफ्ट हो जाएगा, और जस्टिफाई में वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो पूरी लाइन होती है जस्टिफाई में, इसलिए। ओके, तो ये लेफ्ट, दिस वन इज सेंटर, राइट एंड दिस इज जस्टिफाई। ओके, चार टाइप के आपके पास अलाइनमेंट्स है, देखिए आप चारों अलग अलग है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज बुलेट्स एंड नंबरिंग। ओके, बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होती है? आप कोई भी आपको बनानी है फ्रूट्स, फाइव फ्रूट्स के नेम लिखने हैं आपको, या कोई भी चीज़ लिखनी है, तो आप या तो 1 2 3 4 करके लिखेंगे या फिर बुलेट्स में लिखेंगे। बुलेट्स क्या चीज़ है आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो ये बुलेट लाइब्रेरी है। ओके, जैसे ये तीन आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, किसी भी चीज़ को पॉइंट पे लिखना है आपको, तो आप उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? बुलेट्स का यूज़ करते हैं या फिर नंबर का यूज़ करते हैं? ओके, तो मैं यहाँ पे बुलेट्स का यूज़ किया है मैंने, तो देखिए आप 1 2 3, ये तीनों आपके सामने किस में है? बुलेट्स में है। ओके, तो ये 1 2 3 को मैंने बुलेट्स में चेंज कर दिया है। कहाँ से ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन कहाँ से आएगा? आप उस पर क्लिक करेंगे, देन ये देखिए आप अलग अलग है यहाँ पे बुलेट्स, जैसा भी आप यूज़ करना चाहें वैसा आप यूज़ कर सकते हैं, और आपको न्यू अगर बुलेट बनानी है तो न्यू बुलेट भी आप बना सकते हैं। ओके, नाउ नंबरिंग, नंबरिंग कैसे करेंगे? तो आपका बुलेट का था, नेक्स्ट वन इज नंबरिंग। नंबरिंग आप देखिए, जैसे वहाँ पे बुलेट्स थे यहाँ पे नंबर है, 1 2 3 में आपको चेंज करना है, 1 2 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके दिए हुए हैं यहाँ पे, रोमन भी है, ABC भी है, और स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स भी है, तो आप जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। नंबरिंग एंड बुलेट्स आर बोथ आर सेम, बट डिफरेंट यही है कि इसमें उसमें आप नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे आपके बुलेट्स आ जाएंगे। ओके, बॉर्डर एंड शेडिंग, टू हैव बॉर्डर अराउंड द टेक्स्ट एंड ऑल्सो बैकग्राउंड कलर, बताया था मैंने आपको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर एंड शेडिंग, ये आपको ग्रुप मिल जाएगा, बॉर्डर एंड शेडिंग का ग्रुप आपके सामने है। ओके, बॉर्डर एंड शेडिंग में हम क्लिक कर सकते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग में आप देखेंगे बॉर्डर, या बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन आपके पास सामने है। यहाँ पे आप जैसे बॉर्डर लगाना चाहें, बॉक्स, शेडो, 3D, जैसे भी आप लगाना चाहें वैसे लगा सकते हैं। ओके, ठीक है, ये देखिए आप लग गई है ये, इसको मैं वापस पैक कर देता हूँ, इसको मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा ये वहीं पर लगेगी। ओके, नाउ बॉर्डर एंड शेडिंग में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप में यूज़ कर सकते हैं, जैसा हम शेड लगाना चाहें वैसे शेड लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या होते हैं? हेडर एंड फुटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप देखेंगे एग्जाम्स में भी इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो आप देखेंगे हेडर एंड फुटर क्या होता है। हेडर एंड फुटर आर द सेपरेट सेक्शंस, सेपरेट सेक्शन देखिए मतलब हेडर और फुटर, हेडर नाम से पता चल रहा होगा आपको हेडर क्या होता है, हेडर इज द टॉप ऑफ द पेज, यानी कि ये जो पोर्शन है, ये जो एरिया है, इसको हम हेडर बोलते हैं, एंड फुटर इज बॉटम ऑफ द पेज। ओके, आपको इंसर्ट कैसे करना है हेडर को आप देखेंगे, तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, देन दिस इज द हेडर एंड दिस इज द फुटर। ओके, हेडर पे क्लिक किया मैंने, हेडर ब्लैंक है, 3 कॉलम्स मिल जाएंगे आपको, अल्फाबेट मिल जाएगा, एनुअल बॉर्डर, सॉरी हेडर, तो जैसा आप जिस पे क्लिक करना चाहे वैसे क्लिक कर सकते हैं। मैं टाइप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे आप ये यहाँ पे आपका हेडर आ गया है। ओके, इस पे जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, जो भी चीज़ करनी है, हम उस पे लिख सकते हैं, जैसे लेसन नेम आपको लिखना है तो लेसन नेम है इस पे लिख दूंगा, देन इस पे क्लिक करूंगा तो ये आपका हेडर हो जाएगा। ओके, ये देखेंगे आप लेसन नेम यहाँ पे आ गया है, बट हमें हेडर नहीं चाहिए अभी, तो हम वापस कंट्रोल जेड करके उसको हटा देंगे।
यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इसको डिलीट कर दिया मैं, ठीक है, हम क्योंकि हमें हेडर नहीं चाहिए होता है। ओके नेक्स्ट वन इज फुटर, फुटर पे क्लिक करना है, वापस इंसर्ट पे जाएंगे हम, फुटर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आप ये ब्लैंक, ये कहाँ पे आ जाएगा आपकी, बॉटम में आ जाएगा। हेडर कहाँ था आपके, टॉप पे आया था, और ये कहाँ पे आ जाएगा आपके, बॉटम में आ जाएगा। देखिए आप ये आ गया आपके फुटर, वही जैसे उसमें लिखा था एग्जैक्ट वैसे ही लिखेंगे हम। ओके नाउ हेडर फुटर हो गया आपका, उसके बाद में है आपके पास में हेडर फुटर के बाद में इंसर्ट पेज नंबर, आप सभी चीज़ें कर सकते हैं, पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए अगेन आपको वापस उस पर क्लिक करना है, ये देखिए पेज नंबर, पेज नंबर है आपका टॉप पे, अगर प्लेन लिखना है तो मतलब लेफ्ट साइड में लिखना है लेफ्ट साइड, मिडिल में लिखना है मिडिल में, एंड राइट में लिखना राइट में, बॉटम ऑफ द पेज लिखना है, पेज मार्जिन आपको कैसे लेने हैं वो पेज मार्जिन आपको मिल जाएंगे, करंट पोजीशन उसकी क्या है वो सभी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। ओके नाउ नेक्स्ट फॉर्मेटिंग पेज नंबर ये हो गया आपका, नेक्स्ट वन इज इंसर्ट डेट, करंट डेट इंसर्टेड इन हेडर, अगर आपको हेडर में करंट डेट इंसर्ट करनी है तो आप कैसे क्लिक करोगे, नाउ इंसर्ट डेट एंड टाइम, तो हम हेडर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा आपको इंसर्ट मेन्यू में। ओके इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे डेट एंड टाइम, डेट आप देखिए आप 2/5/2021 संडे, जैसा भी आप डेट डालना चाहें आप ओके कर सकते हैं, उसके अलावा टाइम अगर आप डालना चाहते हैं तो टाइम भी आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ओके देखिए आप टाइम एंड डेट बोथ आर यहाँ पे आ गए हैं दोनों, ठीक है, हम मतलब इसको चेंज कर सकते हैं। ओके बट हमें यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं चाहिए तो हम इसको वापस कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज, अब हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हेडर फुटर हमारा कंप्लीट हो गया है, इंसर्ट पेज सेटअप, यस पेज सेटअप, पेज सेटअप क्या होता है देखिए, पेज सेटअप में हमें क्या करना है, पेज को सेटअप करना है, तो पेज सेटअप में हम क्लिक करेंगे हम पेज सेटअप के लिए, नाउ पेज सेटअप के लिए हम क्लिक करेंगे पेज लेआउट पे, देखिए आप हम किस पे क्लिक करेंगे, पेज लेआउट पे, मार्जिन एंड कस्टम मार्जिन, दिस इज योर पेज सेटअप, ओके दिस इज योर पेज सेटअप, सेट बाय डिफॉल्ट जो उसमें है ऑलरेडी वो लिखा हुआ है, इसको हम चेंजेस कर सकते हैं जो भी हम चेंज करना चाहें, ये सारी चीज़ें आपके पास मिल जाएगी, ऑरिएंटेशन ऑल्सो, ऑरिएंटेशन पोर्ट्रेट, नॉर्मल हमारे पास बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, हम इसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप में आप डिफरेंस जानते हैं क्या होता है। ओके मार्जिन देखिए आप टॉप पे बॉटम लेफ्ट एंड राइट आपको चारों तरफ से मार्जिन मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स नाउ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आपको ऑरिएंटेशन मिल गया, ठीक है, पेज हम पेजेस ले सकते हैं, मिरर पेज लेना है आपको, 2 पेजेस पर शीट लेना है, बुक फोल्ड लेना है, जैसा आप लेना चाहें वैसा आप ले सकते हैं। ओके पेपर, यस पेपर पे आप देखिए A4 साइज़ का पेपर लेना है आपको, A4 ले सकते हैं, कस्टम अगर आपको पेपर की साइज़ भी चेंज करें तो आप पेपर की साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट।